पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक बहुत ही फेमस एरिया है धर्मतल्ला, उसको एस्प्लेनेड के नाम से भी जानते हैं और वो ऑफिशियल एरिया भी है, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं। तो दोस्तों, कोलकाता के धर्मतल्ला के नाम तो आपने सुना ही होगा, धर्मतल्ला कितना फेमस है और वहाँ पर विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, हिंदुस्तान से कोने कोने से लोग आते हैं धर्मतल्ला में घूमने के लिए। वहाँ इंडियन गार्डन स्टेडियम है, क्रिकेट एसोसिएशन रेस मैदान है, मिलिट्री का परेड भी वहाँ निकलता है और विक्टोरिया म्यूजियम है, तारामंडल है और धर्मतल्ला के आसपास में ही हुगली नदी के बाबू घाट है। वहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग गंगा नहाने के लिए आते हैं, वहाँ पर मेला भी लगता है। आसपास में ही बड़ा बाजार है, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे हावड़ा स्टेशन है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यह धर्मतल्ला मोड़ है। और ये पुलिस मेमोरियल है, स्टेचू लगाया हुआ है और उसके लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे गोल सा घेरा बना हुआ है, वो इंडियन गार्डन स्टेडियम है। तो इंडियन गार्डन स्टेडियम का वीडियो डिटेल्स में बनाया गया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, धर्मतल्ला बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर रोडों की संख्या बहुत है और एक बहुत बड़ा मोड़ है, रोड का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से कोलकाता में हर जगह जाने के लिए बस मिल जाती है और लंबे टूर के लिए भी बस मिलते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ना जाने कितने राज्यों में जाने के लिए यहाँ से बस मिलते हैं लंबे टूर के लिए। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। यह गांधी जी का मूर्ति है और इस मूर्ति को आगे से भी दिखा देता हूँ, ये आगे से इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब उस मैदान में ले चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर क्या है। ये आ गया मैदान में, लोग खेल रहे हैं। और यहाँ से हमें स्टेडियम का लाइट दिखाई दे रहा है। अब दूसरी जगह ले चलता हूँ, ये कौन सा मेमोरियल है, इसमें बक्सी बमकिम चंद्र लिखा हुआ है। यह आकाशवाणी भवन है, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। आकाशवाणी भवन इंडियन गार्डन स्टेडियम के बगल में ही है। तो दोस्तों, अब चलता हूँ, शाम हो चुका है और धर्मतल्ला में सड़कों का थोड़ा ट्रैफिक दिखा देता हूँ। यह धर्मतल्ला का एक सड़क है और यहाँ से मैं पार्क स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ। पार्क स्ट्रीट वाला ब्रिज आने वाला है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।